बस्मिलीम मोहतरम नाजरन अल्लाम वरम वर्क मौलाना फलरमान का पी टी आई से रबा पंद्रह अक्तूबर का एहताज मौखर करने की अपील तफसत के मुताबिक पाकिस्तान तहरिकाफ़ के रहनम और सबक स्पीकर कौमी इसम्बली असद कैसर ने कहा है कि जमीयत नमाय इस्लाम के सरबरा मौलाना फलरहन ने शंघई तावन तंजीम के सरबराही इजलास के पेश नज़र पंद्रह अक्तूबर को पार्टी का एहताज मौखर करने की अपील की है पी टी आई रुकन असम्बली असद कैसर ने बयान में कहा कि मौलाना फलरहमान से टेलीफोनिक रबता हुआ और उनसे इस्लामाबाद में एहताज मुलतवी करने और आइनी तरामीम के हवाले से मशावरत हुई उन्होंने कहा कि मौलाना साहब ने शंघाई कानफ्रेंस के तनाजर में पंद्रह अक्टूबर का एहताज मौखर करने की अपील की है और उन्होंने इमरान खान को तबी सहूलियात फराम करने और उनके जतीी मालिज को रसाई देने का मतालबा किया है असद कैसर का कहना था कि मौलाना साहब से आइन मसवदे पर भी तफसली गुफ्तू हुई और इस दौरान उन्होंने इस्लाम का तैयार करदा आइनी मसवदा पेश किया जिसमें अक्सर निकात पर दोनों सियासी जमातों में हम आहंगी पाई जाती है मुफ्ती महमूद कानफ्रेंस आज मीरपुर खास में होगी तफसलत के मुताबिक मुफ्ती महमूद कानफ्रेंस आज मिरपुर खास में मनद होगी तर्जुमान असलम गौरी के मुताबिक कानफ्रेंस से जमीतल इस् के सरबरा मौलाना फलरहमान खसूस खिताब करेंगे कानफ्रेंस की तैयारियाँ मुकम्मल इन तारीख साज़ कानफ्रेंस होगी कानफ्रेंस में सिंध भर से कारकुन शरीक होंगे कानफ्रेंस से मौलाना अब्दुलगफूर हैदरी मौलाना अमजद ख़ान और मौलाना राशिद महमूद समरू वगैरह भी खताब करेंगे सकटरी जनरल अकवा मुत के नुमांद खसूसी की वज़र खारजा अफगानिस्तान से मुलाकात तफसी के मुताबिक अकवा मुतहद की सेकटरी जनरल की खसूसी नुमाइंदा ने वजी खारजा अफ़गानिस्तान मौलवी मीर खान मुतकी से मुलाकात की है इस मुलाकात में अफगानिस्तान में अवहदा की सरगर्मियों के मुख्त्य पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया फरीकैन ने अफगानिस्तान के हवाले से अकवा मुतहद के मुख्तलिफ अजलासों पर भी तबादला ख्याल किया इस मुलाकात के दौरान जुनामा के नए सियासी नायब भी मौजूद थे इमारत इस्लामिया अफगानिस्तान ताजरों की हिमायत के लिए तैयार है तफसीत के मुताबिक रईसल वजरा के नायब बरा सियासी अमूर मौवी अब्दुल्कबीर ने काबुल ड्राई फ्रूट पैगजिंग एंड एक्सपोर्ट एसोसिएशन के नए सदर और नायब सदूर के तारफी इजलास में शिरकत की उन्होंने कम्यूनिटी की सरगर्मियों को मुल्क की इकतसदी मजबूती के लिए काबिल क़दर करार देते हुए वाज किया कि इमारत इस्लामी ताजरों की हमायत के लिए तैयार है मकबूजा फलस्तीन में इसराइली फ़ौज पर हमला सत्तर से ज़्यादा हलाक व जख्मी तफसी के मुताबिक मकबूजा फलस्तीन के शहर खीफा में इसराइली फ़ौज के एक मरक़ पर हिज़बुल्ला के ख़ुदकश ड्रोन हमले में इकहत्तर इसराइली फ़ौजी हलाक व ज़ख्मी हो गए हैं इसराइली काबिज फ़ौज ने अपने चार फौजियों की हलाकत की तस्दीक करते हुए कहा है कि सात दीगर की हालत भी तशवीशनाक है